हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस एसीसीए। एक तरफ है इंडियन सीए और एक तरफ है ग्लोबल सीए। बहुत ही इनडेप्थ तरीके से दोनों करियर्स का डिफरेंस देखते हैं। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस में हमने 82 टाइम्स डिफरेंट करियर्स को कंपेयर किया है। अगर ब्रॉडली देखें कैटेगरी 1 में सीए, कैटेगरी 2 में बीकॉम, कैटेगरी 3 में सीएफ और कैटेगरी 4 में बीबीए को हमने डिफरेंट करियर से कंपेयर किया है। और यह है हमारी वीडियो नंबर 4। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीए वेबसाइट ICI.org, एसीसीए वेबसाइट ACCAGlobal.com। ठीक है जी, फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ऑथोराइज इंस्टीट्यूट है ICAI और ऑथोराइज इंस्टीट्यूट है ACCA ग्लोबल। जिस नाम से वेबसाइट है वो ही इंस्टीट्यूट का नेम है। ठीक है जी, कोर्स का स्टेटस है पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट। अगर आपने सीए अपना कंप्लीट कर लिया, आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो अगर थोड़ी सी जान बची है तो। ठीक है, यहां पर यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप जाओगे ACCA का अच्छा खासा वैल्यू है। मतलब जिसको कहते हैं ना कागजी या फिर पेपर वर्क में, ये इक्विवेलेंट नहीं है। आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखोगे ACCA इक्विवेलेंट माना जाएगा। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 सीए फाउंडेशन में फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10+2 में 65% मैथ्स अकाउंट्स एंड इंग्लिश में, मिनिमम एज 18 ईयर्स। रजिस्टर फॉर अप्लाइड नॉलेज एंड क्लियर द लेवल। अप्लाइड नॉलेज लेवल 1 है, अभी डिटेल में आगे देखेंगे। एक ना FIA प्रोग्राम भी होता है जो आफ्टर 10th भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इन डेप्थ और सेपरेट वीडियो आप चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 50,000 से कम में पूरा का पूरा सीए कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग कोचिंग फीस। यहां पर हो गया 2 to 2.5 lakh। अगर आपने थोड़ा सा टाइम ले लिया तो ये 3 to 3.5 तक भी चला जाता है। कोचिंग का आप एड ऑन कर सकते हो। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, अगर सब कुछ सही रहा लाइफ में, कोई टेंशन मेंशन कुछ नहीं आया, 4.5 साल में आप अपना सीए कंप्लीट कर लोगे। और ये ऐसे ही रहेगा रिजिड फॉर्मेट। ठीक है, पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर आर्टिकलशिप 3 साल के, फिर फाइनल, ऐसे ही रहेगा। ACCA का फॉर्मेट अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो आपको सारे एग्जाम विद इन 7 ईयर्स करना है। अगर आपने 7 ईयर्स के अंदर सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं किए, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीए में तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितनी जान है लगे रहो। यहाँ पर अप्लाइड नॉलेज है, आप कभी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हो। अप्लाइड स्किल्स में आप अपियर हो सकते हो। स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल और अप्लाइड स्किल्स में 1 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। एक एथिक्स का पेपर होता है जिसको आप कभी भी क्लियर कर सकते हो। और आपकी फिर ट्रेनिंग होती है 36 मंथ्स की, जिसका कोई फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं है। यहाँ पर वही पॉइंट आता है, जैसे सीए में आर्टिकलशिप है ना, यहाँ पर मजबूरी है, यहीं करनी पड़ेगी। उससे पहले आप फाइनल एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते, मतलब 2.5 ईयर्स तो कंपलसरी है, फिर लास्ट के 6 मंथ्स से आप फाइनल में जा सकते हो। यहाँ पर ये ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है, इन्होंने कहा पहले पेपर क्लियर कर लो आराम से। मतलब प्रैक्टिकल जिंदगी में तब आना जब ये सारे पेपर आप आराम से क्लियर कर लो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। तो एक वो ना गैप नहीं होता, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने में बहुत ईजी रहता है, यहाँ पर कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखेंगे तो 2 ईयर्स आएगी, बहुत ही कम है, क्योंकि ट्रेनिंग हमने बाद में इंक्लूड कर लिया। एवरेज टाइम 6 to 7 ईयर्स, अगर जिंदगी में कोई डीमोटिवेशन नहीं आया तो यहां पर 3 to 4 ईयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। एग्जेम्पशंस की अगर बात करें, सीए में कोई एग्जेम्पशन नहीं, आपने इस दुनिया में कुछ भी करा हो सीए में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ACCA करना चाहते हो और आपके पास बैचलर्स डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेशन है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उन्होंने लिस्ट दी है वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो फिर आपके कुछ एग्जेम्पशन हो जाएंगे। भैया मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 9 पेपर की एग्जेम्पशन हो सकती है। राइट, लेवल्स फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल 3 लेवल होते हैं। अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल। वर्ल्ड में जाओगे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में नॉलेज स्किल्स और SP इस फॉर्म में कहा जाता है। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया सीए में है 20। पहले हम सीए के देखते हैं, फाउंडेशन में हो गए 4, 2 पेपर हो गए डिस्क्रिप्टिव, 3-3 घंटे के खाते पीते घर के एग्जाम, 2 पेपर हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। जहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। इंटरमीडिएट 8 पेपर्स, फाइनल 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 4, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। ग्रुप 2 में 6th पेपर में आपको इलेक्टिव पेपर मिलेगा, जिसमें 6 ऑप्शंस हैं। उन 6 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, वो आपका पेपर बन जाएगा। सारे पेपर्स में MCQ 30% होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70%। पासिंग क्राइटेरिया
अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है, मिनिमम 200 लाने पड़ेंगे, और ये 200 भी ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में 40% आए। ठीक है जी, समझ में आ गई? मतलब 40 40 40 40, तो 160 तो ये ज़रूरी है ही, इसमें इंक्रीज कितना भी कर लो, बस मिनिमम ये प्लस 40 और हो जाए, डन। अब आते हैं जरा ACCA के पेपर्स पर। नंबर ऑफ पेपर है 13, अप्लाइड नॉलेज में है 3, BT MA FA ऑब्जेक्टिव लेवल के पेपर है। फिर आएंगे अप्लाइड स्किल जो सेकंड लेवल है, 6 पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल 4 पेपर्स मिलेंगे, 2 कंपलसरी हैं, 2 इलेक्टिव हैं। इलेक्टिव मतलब आपके पास चॉइस होंगी। एथिक्स अब पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं आपको टॉप स्कोर करना है, बस क्लियर करना है। पासिंग क्राइटेरिया है 50% हर इंडिविजुअल पेपर में। ठीक है जी, अब आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ। सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम, इतना डिफिकल्ट इंटरमीडिएट, इतना डिफिकल्ट सीए फाइनल, सब कुछ डिफिकल्टी डिफिकल्ट है। जिंदगी में डिफिकल्टी पार्ट बन जाएगी। एवरेज स्टडी टाइम है 8 to 10 hours, और कीवर्ड है यहाँ मिनिमम, मतलब 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड बच्चे हो मेरे जैसे, 14 to 15 hours तो चला जाएगा, राइट। एंट्रेंस और कोर्स मॉडरेटली डिफिकल्ट है, मीठा मीठा डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, नहीं, मॉडरेटली है। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहोगे थोड़े थोड़े भी, तब भी आप इस कोर्स को क्रैक कर सकते हो। 6 to 8 hours की पढ़ाई में हो जाएगा, राइट। अगर ये आपका इकलौता प्रोफेशनल कोर्स है, कोई सीए बनने के बाद ACCA करने की सोच रहा है, तो उसके तो आधे प्राण निकल गए हैं। ठीक है, तो बच्चे कुछ प्राण में उसको तो डिफिकल्ट होगी, लेकिन आपका ये फर्स्ट कोर्स है तो आप इजिली कर सकते हो। पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%, ACCA की देखो 40 to 50%, 70%, 45%, 30 to 35%, हर लेवल पे बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है जी, पासिंग परसेंटेज में आप डिटेल देख सकते हैं पेपर वाइज। ये रहे 3 पेपर, ये रहे फिर आगे के पेपर्स, और ये रहे फिर हमारे बाकी डिफरेंट पेपर्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे कम वाला भी देखें, ये है ना, हाँ जी यही है, इसको मिलाते हैं ज़रा थोड़ा सा, 30 मिनिमम है किसी भी पेपर का, बाकी सब ऊपर है, राइट। तो पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर आपके लिए इशू नहीं रहेगा। प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर्स 30 to 35% सीए स्टूडेंट्स का, जब वो सीए बन जाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स कंपनीज रजिस्टर करेंगे ICI.org पर, इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ACCA ग्लोबल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। ठीक है, हाईएस्ट 40 लाख, हाईएस्ट 50 लाख, हाँ जी है, ACCA का हाईएस्ट CA से ज़्यादा है भैया। ये तो 1 ईयर में होगा, 2 ईयर में होगा, मतलब रेगुलरली जाता है, सेम रहता है, मतलब 40 to 60% का आप रेशो मान सकते हो, कभी इसका हाईएस्ट कभी उसका हाईएस्ट। एवरेज सैलरी 4 to 5, एवरेज सैलरी 5 to 7। ठीक है जी, 7 से ACCA स्टार्ट होते ही होता है, मैंने 5 to 7 इसलिए लिखा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आपको टाइम लग गया तब जाके ये 5 से स्टार्ट होता, नहीं तो 7 तो चला जाता है। ठीक है जी, ये डेटा आप चेक कर सकते हो, हाईएस्ट सैलरी का, एवरेज सैलरी का, 2021 का, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये है ACCA की वेबसाइट, यहाँ पर जाकर ना आप जॉब अलर्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कि आपका कीवर्ड्स क्या है, लोकेशन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से ही चाहिए या फिर किसी से भी चाहिए, सब कुछ उसके हिसाब से फिर आपको अलर्ट्स आते रहेंगे। और यहाँ पर आप जब थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना सेट करोगे, तो ये जैसे 136 प्लेसमेंट जॉब्स हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग ये जॉब्स चेंज होती रहेंगी। आप सब में अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगी। डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, असिस्टेंस मिलता है, प्लेसमेंट आपको दिलवाते नहीं है, हाँ ये कह देंगे भाई यहाँ यहाँ जॉब से जाओ और ले लो, दैट्स इट। इंटरनेशनल फॉर्मेट, टॉप नॉच MBA कॉलेजेस में भी ऐसे होता है, कोई अलग बात नहीं है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर बिग फोर तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, इसके अलावा मॉर्गन स्टेनली, एक्सपीरियन और स्टेट स्ट्रीट आपको मिल जाएगा। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, सीए स्टूडेंट्स जब सीए कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद या तो MBA फाइनेंस करते हैं, PhD करते हैं, या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज का ट्राई करते हैं। यहाँ पर PhD तो आता ही नहीं है, ACCA वाले स्टूडेंट्स रेयरेस्ट ही हैं जो PhD करेंगे, कोई टीचर है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। MBA फाइनेंस करेंगे कैट या मोस्ट प्रोबेबली GMAT के थ्रू। ठीक है जी, और आईवी लीग कॉलेजेस से वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आफ्टर 5 ईयर्स और 7 ईयर्स ऑफ वर्क, जो 11 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, उसके लिए ट्राई करते हैं। अब आते हैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ। CFO CEO, CA आप इंडिया का मान लीजिए और ACCA आप वर्ल्ड का CA मान लो,
ठीक है, तो पोजीशंस तो सेम ही रहेंगी। अनसुनी बातें भैया, एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 30, अगर सब कुछ सही रहा, जीवन में मोटिवेशन रहा, और अगर आपने हाँ लड़की ढूंढी है या आपने ऐसे केस में भी लड़का ढूंढा है, उसका भी सीए कंप्लीट हो गया, आपका भी सीए कंप्लीट हो गया, कोई जिंदगी में टेंशन नहीं आया, एक आधा अटेम्प्ट ऊपर नीचे के अलावा जॉब भी ठीक ठाक हो गई, तो पहले भी हो जाती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। एवरेज एज ऑफ मैरिज यहाँ पर 25 to 28, कंपैरेटिवली देखोगे तो 1 से 2 साल का यहाँ पर जल्दी सब कुछ माहौल बन जाता है। ठीक है जी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी सीए की बहुत ज़्यादा है, बचपन से ही रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाती है। आप किसी को ये कह दो मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, अलग ही रिस्पेक्ट आएगी, है ना, वो फ्लावर व्लावर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी अगर एसीसीए की देखें तो भैया कम है, मुझे लेवल तो सेम है। अरे यार एसीसीए का पता तो नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो, एसीसी आप किसी को बताओ, अच्छा सीए जैसा है क्या? यार टीयर वन इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, वहां पे तो सबको सब कुछ पता है, सीएफए भी, एसीसीए भी, सीपीए भी, यूएससीए में भी। जहां पर आप टीयर टू की बात करते हो वहां पर एसी को खा जाएंगे, सीए ही है उनके दिमाग में, मतलब कॉमर्स का मतलब बीकॉम और सीए। भैया आप तो समाज की बात करो तो सोसाइटी का तो पॉइंट है, राइट। एसीसीए के लिए फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सीए अबव चला जाता है, एसीसीए के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, बहुत ही एंड में जाके जब टीम वीम बन जाती है तब कुछ, मतलब आप मान के चलो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इनिशियल करियर में 1-2 साल में। यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हुए दिख जाएंगे, यंग एसीसीएज नहीं मिलेंगे आपको। कोर्स लाइफ भाई प्रेशर रहेगा, अगर टाइम वेस्ट किया तो गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया पे अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रक्शन हो गया तो अंदर से होगा यार पढ़े नहीं, यार मज़ा नहीं आ रहा, यार यार मतलब टाइम वेस्ट क्यों हो गया, सर ने तो एक आता, मैम ने तो एक आता, मतलब अंदर से गिल्ट आएगा। लंबे लंबे कोचिंग होंगी आपकी 6:30 AM to 11:30 AM, उसके बाद जी 12 to 4, फिर 8:30, ऐसे ऐसे कोचिंग्स होंगे, ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग आर्ट्स की कोचिंग होगी। और थोड़ा सा जो भी जिंदगी में फन वन आएगा वो आर्टिकल शिप में आएगा, ज़्यादा फन मत लेना क्योंकि उसके बाद फाइनल है, वो भी तो पेलना है, राइट। कोर्स लाइफ देखते हैं एसीसीए की, मॉडरेट स्टडीज, आप कोर्स लाइफ इंजॉय करते हो क्योंकि साथ में कॉलेज भी है, ठीक है जी, और आपको बैलेंस बना के चलना होता है। हाँ एप्लीकेबल है 12th के बाद ही, लेकिन एसीसीए में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हुए होते हैं, ऐसा नहीं होता सब कुछ छोड़ दिया और घर बैठ के एसीसीए की तैयारी कर रहे हैं, वो सीए में तो होता है लेकिन एसीसीए में नहीं होता ज़्यादातर स्टूडेंट्स के केस में। तो यहाँ पर आप कॉलेज लाइफ वगैरह इन्जॉय करते हो, यहाँ पर एसीसीए को प्रेफरेंस मिलेगा। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, सीए की ज़िंदगी में अगर अकाउंट्स एंड ऑडिट आ गया आप डेली बोलोगे, जब तक है जान डेली बोलोगे। जैसे हमारे घर में क्या होता है, कभी कभी ना कुछ सब्जियां बच जाती हैं, जैसे कभी लौकी आ गई या फिर क्या होता है वो भिंडी आ गई है, मूड ही खराब हो गया नाम लेकर भी, तो लौकी ना 500 ग्राम है अभी घर में, तो मम्मी क्या करेंगी नेक्स्ट डे ना सब्जी कम लेती हैं कि भाई पहले लौकी यूज़ कर लेंगे 2 दिन से रखिए, या आप शाम को दूध नहीं पिया आपने तो अगले दिन दूध कम ले सकते हैं, या परसों नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कम ले सकते हैं कि भाई दूध है ऑलरेडी कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो ये क्या हो गया, हर ट्रांजेक्शन को हर चीज़ को देखना किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको ऑर्डर करना, बस यही काम है सीए का, हर ट्रांजेक्शन को देखना कि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको चेंज करना, रेक्टिफाई करना। अब आ जाते हैं एसीसीए पे, ऑडिट भी है जी यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है और बिजनेस रिपोर्टिंग भी है, बस इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कर दो। इम्पॉर्टेंट क्यों, कुछ घरों में होता है, ज़्यादातर घरों में नहीं लेकिन होता है ऐसे ना, यहाँ ऐसे बजट बनते हैं मंथ एंड में, ये week 1, week 2, week 3 और week 4, और सामान ऐसे लिखा जाता है पूरा प्रॉपर कि भाई वीक वन में ये इतना लगा, अच्छा शुगर आई तो ऐसे ऐसे आई, तो फिर पूरी बजटिंग निकल के आती है कि ये फाइनल हमारा मंथ का चार्ट है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट हो गई, उस रिपोर्ट को अगर आप मंथ टू मंथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कितने आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितनी इनकम प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज इंक्रीज़ हो रही है। तो ये होती है रिपोर्टिंग भाई, यहाँ पे तो आपने सिर्फ देखा, यहाँ पर उसको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में भी लाए, ठीक है, तो यहाँ पर होता है खाली देखना, प्रेजेंटेशन कर दिया ठीक है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, करियर की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर प्रेजेंटेशन इज कंपलसरी, पार्ट ऑफ द करियर, ठीक है जी। सिमिलरली एन एसीसीए विल चेक द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंस एंड विल मेक रिपोर्ट्स टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स बनाना इनका की वर्क में आता है भाई, बाकी तो सब कुछ सेम है, जैसे मेरा और मेरे फ्रेंड के दोनों हाथ हैं दोनों पैर हैं ये तो सब सेम कंपैरिजन में आएगा, लेकिन जो डिफरेंट है पर्सनैलिटी है वर्क है हमारा खुद का एक एक नेचर है उस पे हम कंपेयर करेंगे अपने आप को, राइट, उस पे एक दूसरे का कंपैरिजन सही आएगा, तो वही सेम केस में जो सेम है वो तो सेम हो गया, ये डिफरेंट आ गया,
प्रेजेंटेशन फॉर्मेट डिफरेंट आ गया। वर्क ओरिएंटेशन, अब आप काम क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट। पहले हमने देखे सब्जेक्ट्स, अब आते हैं वर्क पे। अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, मतलब दवाई चाहिए या नहीं, वो वाले डॉक्टर नहीं होते अरे बिना दवाई के भी ठीक हो जाओगे, अरे दवाई तो चाहिए, ये आपको बताएंगे दवाई कितनी चाहिए। ACCA वाले कितनी दवाई चाहिए, कितनी देर में चाहिए, यहाँ पर हो गया पूरा कंप्लीट, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग। क्लियर होगी बात। अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, और यहाँ पर आ जाएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इज द कीवर्ड। कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड, डिटेल ओरिएंटेड होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे CA ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद थे ना, मुंशी प्रेमचंद पढ़ना ज़रा एक बार, हर चीज़ का हिसाब रखते थे। इनका काम पैसे को बढ़ाना नहीं होता था कि हर साल मुझे 20% रिटर्न देना है, ना ना ना, जो है बस उसको संभाल के रखेंगे। यहाँ पर हो गया एनालिटिकल और क्वालिटेटिव माइंडसेट, जैसा एक मैनेजर ना हर एक के काम पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ये हो गया क्या, उसके काम को इतना डेडलाइन दिया था 3 आवर्स में हो जाना चाहिए था, उसने 4 आवर्स ले लिया, मतलब कुछ थोड़ा सा वर्क स्लो कर रहे हैं, एक निगाह रखते हैं कि अच्छा भाई वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हर चीज़ पे। ये होता है कौन, ACCA। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे, हाई इंटेग्रिटी होगी, ट्रस्टवर्दी होंगे। ये ज़रा मेरे को बताना, एक मूवी है 1979 की, उनके एक कैरेक्टर हैं, ठीक है, मेरे को कमेंट्स में बताना प्लीज़ ये कौन से कैरेक्टर हैं। और बिल्कुल अगर ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखना, ये मूवी से आपको पता चल जाएगा CA की पर्सनैलिटी का, ठीक है जी। इंटेलिजेंट होते हैं हमारे ACCA, गुड मैनेजर्स होते हैं, यहाँ पर देखा था ना मैनेजमेंट वाला एग्जाम्पल, और नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के थोड़े से मास्टर किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे जैसे ऋतिक रोशन भैया थे ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो वाले फॉर्मेट पे। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, मनी मैटर्स में, भाई पैसे का ना सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए बस, बढ़ेगा कम होगा हमें उससे मतलब नहीं, पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ हो। ACCA का है प्रेजेंटेशन ऑफ द मनी वाइजली हो, मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर में पैसा प्रेजेंट किया जाए कि वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके मैनेजमेंट को या किसी को भी। यहाँ पर है सही यूज, यहाँ पर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कब करोगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने ये जो सामने आपको PPT दिख रहा है, इसका सही प्रेजेंटेशन कब किया होगा, जब मुझे समझ में आया होगा, तो ये हो गया समझना, ये हो गया प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन एक स्टेप थोड़ा सा आगे आ जाता है। ऑलराइट, बेस्ट केस सिनेरियो, सब कुछ बढ़िया रहा CA की लाइफ में, सब कुछ बढ़िया रहा ACCA की लाइफ में, सब कुछ बढ़िया रहा। एक अटेम्प्ट में बन गए, मतलब एक एक बार में पेपर क्लियर, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट पैकेज चला गया, और आपने PhD वगैरह में एडमिशन ले लिया, ये हो गया मैक्स ACCA का, मैक्स हो गया, आपने सारे लेवल क्लियर कर लिए, ग्रेजुएशन हो गई, अच्छे पैकेज पे चले गए, और फिर MBA वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप टॉप नॉच कॉलेज से, टॉप 50 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। वर्स्ट केस, CA फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हो, बाबू छोड़ देना CA, सोचना भी मत। अगर फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं ना, अगर लग रहे हैं ना, कसम से इंटरमीडिएट फाइनल में बहुत दिक्कत आएगी। भैया मैंने देखा एक भैया ने 6 अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन किया था और फाइनल एक बार में कर लिया, एक्सेप्शन है, हमारे साथ वो एक्सेप्शंस नहीं होते, ठीक है जी। ACCA पे आते हैं, फॉर्मल डिग्री के तो इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट है थोड़े से लेवल्स को पास करना, यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है और आपने ACCA भी कंप्लीट नहीं किया, सारे लेवल्स क्लियर नहीं किए, दिक्कत आएगी। तो इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियो उसका ये आएगा, एक ही केस बनेगा, 3 अटेम्प्ट में कोशिश करो सारे लेवल्स को क्लियर करने की, मतलब फर्स्ट लेवल 3 अटेम्प्ट में, सेकंड लेवल 3 अटेम्प्ट में, थर्ड लेवल 3 अटेम्प्ट में, ये वर्स्ट केस है। इससे पहले हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो ये जो याद है ना, एक्सपेंसिव है, 50 to 60,000 रुपीज़ जाते रहेंगे, तो थोड़ा सा सोच के चलना, अपनी ग्रेजुएशन को साथ में रखना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। लीव एंड अपस्किल योर सेल्फ, फाइंड अ जॉब टू स्टार्ट विथ, सर्टिफिकेशन करो, डिप्लोमा करो, आप स्टॉक मार्केट का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, अगर आपको फील्ड चेंज करना है मास्कॉम वगैरह में ट्राई कर सकते हो, लेकिन बस अपनी ग्रेजुएशन का साथ रखना, हाथ में पकड़ के रखना ग्रेजुएशन को, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। ACCA मैक्स 3 अटेम्प्ट में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। CA फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में, CA का फाउंडेशन नहीं हुआ CA छोड़ देना, 2 से 3 अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट नहीं हुआ CA छोड़ देना, ग्रेजुएशन पे ध्यान देना, अच्छे से अपने आप को अपस्किल करना, सर्टिफिकेशन कोर्स करना, और CA फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो भैया ये सब कुछ है आपके पास, कोशिश करो थोड़ा सा कुछ मिल जाए, राइट। अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस लेंगे और फिर MBA करके अपने करियर को शेप करेंगे।
इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होगी CA और ACCA करियर से रिलेटेड। अगर आप आगे पीछे करके एक दो बार वीडियो को देखोगे ना, कंप्लीट समझ में आ जाएगा क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है। आपके पॉइंटर ना दिमाग में बनते रहेंगे, अच्छा CA ये कलर ये मेरे लिए नहीं है, ये पॉइंट ये मेरे लिए नहीं है। लास्ट में अगर 24 क्वेश्चंस हैं इस पूरी वीडियो में, 24 में 20 का आंसर तो आता है यस एक करियर के लिए, कि भाई CA के लिए यस आ रहे हैं 20, ACCA के लिए नो आ रहे हैं 4, तो आपको पता है क्या किस में जाना है, राइट। बाकी आपको कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।